नर्मदे युवा सेना ने भव्य शिव पालकी यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। वही पालकी का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और शिव भक्ति के साथ मनाया गया। शहर में सुबह से ही शिवालयों में पूजन के लिए लोगों की भीड़ लगी रही, वहीं दिन भर मंदिरों में अभिषेक चलता रहा। इस अवसर पर नर्मदे युवा सेना द्वारा भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। श्री अग्रवाल का ढोल ताशों के साथ और फूलों के साथ भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा के दौरान श्री अग्रवाल ने बताया कि नर्मदे युवा सेना पिछले कई सालों से लगातार नदी संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण सहित समाज हित में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। वहीं उनके द्वारा चलाए जा रहे अवैध खनन रोको अभियान के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस अभियान को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इन माफियाओं से प्रदेश को बचाया जा सके। तत्पश्चात आरती के बाद भव्य यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बैंड बाजे और आतिशबाजी के धमाकों के बीच पालकी स्कीम नंबर 78 के भ्रमण पर निकली। पालकी को श्रद्धालु अपने कंधों पर लेकर निकले। शोभा यात्रा में शामिल भक्त डीजे की धुन पर नाचते गाते रहे। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा में नर्मदे युवा सेना के अजय सेरोके, सोनू सोनो ने, प्रमोद पाल, दुर्गेश यादव, अखिलेश तवर, गौतम शर्मा सहित महिला रक्षा मंच से रोशनी ठाकुर, मनीषा चौधरी और नूपुर जादव शामिल रहे।